कोई फैशन फुशन नहीं आज तुसी देखो कि प्यारी लग रही रुखमा लेकिन मैं गौर किया डाकर साहब के जो मुजाकरा चाहिए माशाल्लाह चेहरा भी ठीक हो गया हालात भी ठीक हो गए जेन का कोई पता नहीं नहीं हल्की जी मगरूर भी हुई है सर हाँ जी वरना मैं जमाना वेखिया पहली बारी जुत्ती लई है बूट ते घर ढोल की रख ली इन्होंने नवे बूट लेने ते सारी फैमिली मसन लैके फिर रही तो कोई नहीं वेख रहा नवे बूट विखाण वास्ते अपने घर नू अग लाती सारा महला कट्ठा हो गया कहिंदे की होया कहिंदे सब कुछ जल गया सिर्फ बूट ही रह गया बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर मोहम्मद अली रजा खाकवानी और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने मैथ्स कॉम पढ़ा और अब कर रही है मॉडलिंग मोहतरमा सोनिया चौधरी शो जी आज तो दोनों मेहमान मॉडल ही लग रहे हैं सर हाँ हाँ क्या बात आज हमारे रूबरू हैं सोनिया चौधरी आज हमारे रूबरू हैं सोनिया चौधरी जी जी कैटवॉक और मॉडलिंग में ये माहिर हैं और इनके साथ हैं पीटीआई के एमपीए नाम मोहम्मद अली रजा और कबीला खाकवानी ठाकर इस कबीले की भी पहचान है सियासतदानी दुखां दा मलबा सुखां ढोवण नहीं दिता दुखां दा मलबा सुखां ढोवण नहीं दिता वेले पैरां भार खलोवण नहीं दिता अपने आप नूं सूली चाढ़िया है अपने आप नूं सूली चाढ़िया है तेरे सिर नूं नीवा होवण नहीं दिता क्या बात क्या बात आप सुनाए सोनिया चौधरी ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक अली रजा खान खाकवानी साहब बिल्कुल ठीक ठाक खान आपके साथ रहे नहीं रहे चौधरी अभी भी आपके साथ बैठे हैं तो रे नहीं पता लग रहा चौधरी ताड़े नाल है कि नहीं है ये तो मेरे ख्याल से काफी जाहिर हो चुका हुआ है कि जो दो खान थे वो तो छोड़ के चले गए लेकिन चौधरी ही अभी तक साथ बैठे हुए हैं कैसा महसूस होता है वैसे चौधरी साहब साथ हैं जी बिल्कुल और अच्छा महसूस होता है बल्कि चौधरी साहब जाके पाइप कंच कहते हैं चौधरी साहब बदल ना जाना मगर वैसे अली साहब आपका फर्स्ट टाइम है हमारे पास जी यू हैव नॉट बीन ऑन द शो बिफोर जी जी बिल्कुल आपने देखा हुआ है शो जी बिल्कुल तो आप आए क्यों नहीं हमारे पास बुलाए नहीं जी ये तो ना करे हमने तो ऐसे ऐसे बंदों को बुला छोड़ा है मतलब तीन चार तो हमें अफगानिस्तान के एमपीए भी आ गए यहाँ पे नहीं आप आते नहीं थे केस की वजह ये थी कि आपको दोस्तों ने कुछ कहा हुआ था नहीं नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा हुआ था मेरी पूरी फैमिली का वन ऑफ द फेवरेट शो है जी ये मुज़ाकरा अच्छा तो हमारी तो दिली ख्वाहिश थी कि जी हमें बुलाए और माशाल्लाह आज मैं वहां पे बैठा हूँ जी देख लें फिर आखिर आपके खानदान की दिली ख्वाहिश हमने पूरी कर दी और सर इतना लेट आए जे तुसी बुलडोजर ते आए जे ये क्या लॉजिक है वो सोनिया भी घबरा गई है कि तुमने क्या जोक मारी है समझ नहीं आई उनको वो तो मेरा हुस्न देख के घबरा गई सिर्फ घबराई नहीं इस पे उनका हासा भी निकल गया बुलडोजर का नहीं आपको पता नहीं वो जो सड़कों पे भारी साहब पहली बार नोटिस किया बड़ी आपकी रिजेम्बलेंस और मैंने फिर उनको कहा है कि उनकी मेरे से मिलती है ये अब आप लोगों का आपस का मामला है पार्टी का कि आप डिसाइड कर ले किसके किससे मिलती है आप प्यारे हैं आपको कभी फिल्म ऑफर हुई क्या वैसे कभी कोई रहा शौक इस किस्म का कॉलेज लाइफ में या कोई जी कॉलेज लाइफ में तो बिल्कुल बस अच्छा दिल करता है कि बंदा जो है जी वो हो ना मैं सूट वाइए तो उसके बाद फिर अम्मा जी ने कहा कि बंदा बढ़ते थे जा अच्छा तो क्या कौन पसंद थे वैसे एक्टर्स वगैरह कोई कॉलेज लाइफ में जी मुझे नदीम साहब बहुत पसंद नदीम साहब जबरदस्त मुझे शबनम जी नदीम साहब पसंद थे और देखते थे पाकिस्तानी फिल्में देखते थे आप जी मैं बहुत देखता हूं पाकिस्तानी फिल्में जी मुझे नदीम साहब वहीद मुराद साहब मोहम्मद अली साहब क्या बात जन्नत में जगह थे वो मतलब मेरे आइडियल
जिन्ना जिन्ना दी फिल्मा देखी नहीं रहे हुण साडी कोई ना वेख लेना यार एक बंदा बात नहीं बता रहा होता है अपने अंदर की तुम बीच में ना अपनी इनसिक्योरिटीज लेके ना सारा बात का मजाक किरकिरा कर देते हो। चादर दो मैं तो नींद पूरी करा जी नींद पूरी करनी है। अच्छा तो यानी कि फिल्मों वगैरह का शौक था और अब टाइम मिलता है देखने का? यू डोंट गेट टाइम एनीमोर? अच्छा टाइम तो निकालना पड़ता है लेकिन ये है कि जब मुझे टाइम मिलता है मैं रात को मूवी जरूर देखता हूँ। कौन सी मूवी लास्ट देखी थी जो पसंद आई हो? देखता तो इंसान बहुत है, पसंद कौन सी आई थी? जी मुझे अभी जो मैंने लेटेस्ट देखी है वो तो खैर एक इंग्लिश मूवी थी। हाँ तो बता दें हमारे यहाँ पे चलती है इंग्लिश फिल्में। हाँ उसमें वो थी जी सेंट ऑफ अ वुमन। सेंट ऑफ वुमन आपने अब देखी? पहले देखी होगी मगर दोबारा आपने देखी। वो ये ऐसा क्या हुआ था कि जो आपको ये फिल्म याद आई कि ये मैंने दोबारा देखनी है? बस जी वो तो कुछ नहीं था, बस ये था कि भाई मूवी अच्छी थी तो बस जैसे टाइम मिला। अल पचिनो के फैन हैं आप? बहुत ज्यादा जी। अच्छा तो आपने उसकी तरह कोशिश की उसके बाद एक्टिंग करने की? आपने देखी हुई सेंट ऑफ वुमन? नहीं नहीं देखी हुई। मैं मूवीज बहुत कम देखती हूं। अच्छा आप क्या देखती हैं? मैं बहुत कम जो है टीवी वगैरह बहुत कम। नहीं ठीक है वो तो हमने मान लिया कि आपके घर में टीवी है भी लगा हुआ है। ये सोशल मीडिया ही ज्यादातर मैं मतलब इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रही हूं। सोशल मीडिया पे क्या देखती हैं आप? इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करती हूं। तो तस्वीरें देखती हैं लोगों की? ऑब्वियसली मेरा काम ही तस्वीरों से रिलेटेड है। नहीं मगर काम तो उनका भी सियासत है, वो भी उससे हटके कुछ कर रहे होते हैं तो आप मुझे बताएं। मैं उससे हटके कम ही चीजें करती हूं, पिक्चर्स पे मेरा ज्यादा कंसंट्रेट होता है। मैं पिक्चर्स देखती रहती हूं, लाइक कर दी, वीडियोस देखती रहती हूं, कुछ क्या नई एक्टिविटी चल रही है, किस तरह की न्यू जो है फैशन आ रहा है उसको किस तरह से किस चीज में कन्वर्ट करना है, बस मेरा यही रहता है। कोई सीरीज नहीं, अभी मैंने एक रिसेंटली मूवी देखी है मौला जट पाकिस्तान की। अच्छा आई रियली लव द मूवी। ये आपने कैसे देख ली? ये तो आई नहीं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे नहीं आई, ये मैं खुद जाके देख के आई। ये आपने क्या जुल्म किया, आप खुद चली गई सिनेमा, इंस्टाग्राम इसका जिम्मेदार है बताइए। मुझे लगा कि मुझे देखनी चाहिए सो मैंने देखी है। ठीक बनाई उन्होंने, बहुत अच्छी। किसे पसंद कौन आया आपको? हमजा अली अब्बासी। नेगेटिव विलन टाइप का जो रोल था उनका, ही इज लव, मतलब ही इज लव यार, वो प्यार है हमजा अली अब्बासी, आप प्यार हैं, ही इज योर लव, मजीद तशरीह उन्होंने की है, हमजा अली अब्बासी आप इनके प्यार हैं। अब आगे चलते हैं। हमजा अली अब्बासी साहब मेरा सबसे ज्यादा पसंद आए उस फिल्म में और उन्हीं की वजह से मैंने वो हमजा अली अब्बासी पसंद आए उन्हीं की वजह से फिल्म देखी। जिस सीन के अंदर हमजा नहीं आ रहे थे उसमें आप क्या आंखें बंद कर लेती थी? मगर आपकी वजह से हमजा अली अब्बासी से मुलाकात हुई है कभी? नहीं। अच्छा अगर आप जब मिलेंगी तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा आपका? मैं उनकी फैन हूँ, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है एंड आई रियली लाइक हिम। नहीं नहीं वो तो ठीक है मगर ये आप उनको कहेंगी? या आप देखेंगी सामने से हमजा अली अब्बासी चलते हुए आ रहे हैं तो आप कहेंगी हमजा अली अब्बासी मैं आपकी फैन हूँ और मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है? मौला जट एक ही बनी हमसे इतने सालों के अंदर, उसमें से एक हमजा अली अब्बासी निकले, तो ये तो आपने बाय रेशो बहुत कम कर दिया है कि अगर दोबारा इस तरह का पीस हम कब दरियाफ्त कर पाएंगे? नहीं अगर करने पाए तो कर लेंगे ना, मैं क्वालिटीज बता देती हूँ तो आप सर्च कर लें। तो मेरी शक्ल नहीं मिलती हमजा भाई से? बिल्कुल नहीं मिलती। हमजा भाई मैरिड है? बिल्कुल जी मैरिड, इसलिए तो चुप बैठे ने। और ये कितना अरसा हो चुका हुआ है जी? 22 साल। अच्छा फिर तो वाकई चुप हो चुके। देखिए इसलिए वो आप उनको ना बीच में घसीटे, वो बिल्कुल इस दौड़ से आउट। नहीं तो हमजा अली अब्बासी साहब प्यारे हैं तो मुझ में क्या कमी है? कैल्शियम।